सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे से होंगे। एक नया वर्कआउट वीडियो लेके आपके सामने फिर हाजिर हूं, और आज के वर्कआउट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पेयर ऑफ डंबल से चेस्ट कैसे ट्रेन कर सकते हैं। पूरी वीडियो में हम करेंगे 7 एक्सरसाइज, जिसमें से 6 एक्सरसाइज हम करेंगे सुपर सेट में और एक हमारी होगी फिनिशर एक्सरसाइज। और हमारी एक्सरसाइजेज हैं इंक्लाइन डंबल फ्लाई, इंक्लाइन डंबल प्रेस, डिक्लाइन डंबल प्रेस, डंबल पुलओवर, डिक्लाइन पुशअप्स, फ्लैट डंबल प्रेस एंड लास्ट वन इज अराउंड द वर्ल्ड। लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। चेस्ट एक्सरसाइज शुरू करने से पहले मैं एक सेट वार्म अप करूंगा विद लाइट वेट, जिसमें मैं डंबल को इस तरीके से होल्ड करूंगा और यहां से ऊपर लिफ्ट करूंगा थोड़ा क्रॉस करके फेस के सामने, और मैं करूंगा 30 रेपिटेशन। डंबल जब भी ऊपर आएगा तो मैं ब्रीद आउट करूंगा। जैसे ही 30 रेपिटेशन हो जाएंगे मैं हाथ चेंज करूंगा एंड 30 इस हाथ से भी परफॉर्म करूंगा, बट इसका मुझे एक ही सेट करना है। इसके बाद मैं अपनी मेन एक्सरसाइज की तरफ बढ़ूंगा। फर्स्ट एंड सेकंड एक्सरसाइज को मैं कर रहा हूं सुपर सेट में, जिसमें पहली एक्सरसाइज है इंक्लाइन डंबल फ्लाई एंड सेकंड एक्सरसाइज है इंक्लाइन डंबल प्रेस। मैं दोनों एक्सरसाइज के लिए ये बेंच यूज कर रहा हूं। आप घर का कोई स्टूल या चेयर को यूज कर सकते हो, जिसमें आपको अपनी अपर बैक को हाइट पे रखना होगा और पेल्विक बोन को नीचे, और आपके दोनों फुट फ्लोर पे अच्छे से प्लेस रहेंगे। उसके बाद आप डंबल को लिफ्ट करें, मेक श्योर आपका बैलेंस अच्छा होना चाहिए एंड दोनों डंबल को खोलते हुए चेस्ट में अच्छा सा स्ट्रेच फील करेंगे एंड यहां से लिफ्ट इट अप एंड जस्ट स्क्वीज योर अपर चेस्ट एंड ब्रीद आउट स्लो एंड कंट्रोल। जैसे ही आपके 12 रेपिटेशन कंप्लीट हो जाएंगे तुरंत हम सेकेंड एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे, जो कि होगी इंक्लाइन डंबल प्रेस। स्लोली डंबल को नीचे लाएं एंड ऊपर लाके चेस्ट को स्क्वीज करें एंड ब्रीद आउट। इसके भी आपको 12 रेपिटेशन परफॉर्म करने हैं। इस तरीके से आपका एक सेट कंप्लीट हो जाएगा और आपको नंबर ऑफ सेट्स करने हैं 3। थर्ड एंड फोर्थ एक्सरसाइज भी हम करेंगे सुपर सेट में, जिसमें थर्ड एक्सरसाइज होगी डिक्लाइन डंबल प्रेस एंड फोर्थ एक्सरसाइज होगी डंबल प्लोअर। डिक्लाइन डंबल प्रेस करने के लिए आपको फ्लोर पे लेटना होगा, दोनों पैरों को अच्छे से बेंड कर लें, उसके बाद पेल्विक बोन को लिफ्ट करें एंड अपर बॉडी को अपर बैक पे बैलेंस करें। इस पोजीशन में पहले आप अच्छे से बैलेंस हो जाएं, उसके बाद दोनों डंबल को आराम से नीचे लाएं टिल द टाइम आपके एल्बो फ्लोर के टच ना हो जाएं, और यहां से आप अपनी चेस्ट को स्क्वीज करते हुए डंबल को लिफ्ट करें एंड ब्रीद आउट कंट्रोल वे में। फोकस ऑन योर पेक्टोरल मसल। जैसे ही आपके 12 रेपिटेशन कंप्लीट हो जाएंगे तुरंत आप हिप्स को नीचे टच कर देंगे फ्लोर पे और एक डंबल को दोनों हाथों में होल्ड कर लेंगे लाइक दिस, क्योंकि हम यहां पे कर रहे हैं डंबल प्लोवर, तो डंबल को पीछे लाते हुए टिल द टाइम डंबल फ्लोर के क्लोज ना आ जाए स्ट्रेच करो अच्छा सा एंड वहां से डंबल को लिफ्ट करते हुए एंड एल्बोज को बेंड करते हुए ऊपर ले आओ एंड यहां पे स्क्वीज करो चेस्ट को स्लोली करो, सो दैट आप अपने पेक्टोरल मसल में फील कर पाओ। यहां पे भी आपको करने हैं 12 रेपिटेशन। इसके साथ ही आपका एक सेट कंप्लीट हो जाएगा और आपको 3 सेट्स परफॉर्म करने हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बात आप सभी लोगों से करना चाहता हूं। इस लॉकडाउन में हम सभी ने समझा हेल्थ एंड फिटनेस की इंपॉर्टेंस को, पर एक और बात हम सभी लोगों का समझना जरूरी है, वो है सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट।
और इन्वेस्टमेंट करने का वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है म्यूचुअल फंड्स। वैसे तो म्यूचुअल फंड वगैरह समझना थोड़ा मुश्किल है, पर अपस्टॉक्स की ऐप पे आप इजीली म्यूचुअल फंड बाय कर सकते हो और यहां पे आपको 2000 से भी ज्यादा म्यूचुअल फंड के ऑप्शंस मिलेंगे। आप ELSS टैक्स सेविंग फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हो और 1.5 लाख तक की टैक्स सेविंग कर सकते हो। और अगर आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड बाय करते हो तो सारा पैसा इन्वेस्ट हो जाता है, मींस 0% कमीशन। मैंने तो अपना अकाउंट बना लिया है, बहुत ही क्विक एंड इजी ऑनलाइन प्रोसेस है। मुझे मेरे बस आधार कार्ड और पैन कार्ड की जरूरत पड़ी, पर बेस्ट पार्ट है कि मैं अपस्टॉक्स कहीं भी और कभी भी एक्सेस कर सकता हूं। आप भी ट्राई जरूर करें और घबराना मत, ये एक बहुत ही ट्रस्टवर्दी ब्रांड है विच इज बैक्ड बाय मिस्टर रतन टाटा जी। आइए अपनी एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। फिफ्थ एंड सिक्स्थ एक्सरसाइज को भी अगेन हम कर रहे हैं सुपर सेट में, जिसमें फिफ्थ एक्सरसाइज है डिक्लाइन पुशअप्स एंड सिक्स्थ एक्सरसाइज है फ्लैट डंबल प्रेस। मैं आपको करके दिखाता हूं, बट यहां पे आप देखो कि जब मैं डिक्लाइन पुशअप्स करूंगा तो मैं दो डंबल को इस तरीके से प्लेस करूंगा और दोनों के बीच में इतना डिस्टेंस रखूंगा कि मेरा चेस्ट आराम से इसके बीच में आ पाए और मुझे अच्छा रेंज ऑफ मोशन मिल पाए। दूसरा, मैं हाथों को सीधा ना रख के साइड में रखूंगा इस तरीके से, एंड क्योंकि डिक्लाइन पुशअप्स करने हैं तो मेरे टोज जो होंगे वो मुझे हाइट पे रखने पड़ेंगे। कोर टाइट, अच्छा सा बैलेंस बना लें फिर नीचे जाए, एंड चेस्ट में अच्छा सा स्ट्रेच फील करें और यहाँ से आप हथेलियों से धक्का मारते हुए ऊपर आए, चेस्ट को स्क्वीज करें एंड ब्रीद आउट एंड ट्राई टू डू 12 रेपिटेशन। फोकस एंड टारगेट ऑन योर पेक्टोरल मसल। जैसे ही आपके 12 रेपिटेशन हो जाएंगे तुरंत आप आराम से अगेन फ्लोर पे लेट जाएं, दोनों पैरों को बेंड कर लें, डंबल उठाएं और आराम से नीचे लेके आए स्ट्रेट। अगेन आपके एल्बोज फ्लोर पे टच हो जाने चाहिए, लिफ्ट करें, ब्रीद आउट, जस्ट स्क्वीज योर चेस्ट, कंट्रोल, डंबल ज्यादा बाहर की तरफ नहीं जाना चाहिए, डंबल थोड़ा स्ट्रेट ही आएगा। 12 रेपिटेशन आपको यहां पे भी करने हैं। ये आपका होगा एक सेट और 3 सेट हम यहां पे भी करेंगे। लास्ट एंड फिनिशर एक्सरसाइज हम यहां पे परफॉर्म कर रहे हैं जिससे हम अपने चेस्ट मसल को बिल्कुल फटीग करने की कोशिश करेंगे। एक्सरसाइज का नाम है अराउंड द वर्ल्ड, जिसके लिए आपको फ्लोर पे लेटना होगा, दोनों नीज बेंड रखेंगे एंड डंबल को यहां होल्ड करेंगे जो कि होगी आपकी स्टार्टिंग पोजिशन, और यहां से बिल्कुल कंट्रोल करते हुए एंड रोटेट करते हुए डंबल को अपर एब्स के ऊपर लाएंगे, चेस्ट को स्क्वीज करेंगे एंड ब्रीद आउट। इस एक्सरसाइज में आप नेक को लिफ्ट भी रख सकते हो जिससे कि आपके चेस्ट को बेटर कॉन्ट्रैक्शन मिलेगा, बट थोड़ा लाइट वेट से परफॉर्म करें सो दैट आप वेट को कंट्रोल कर पाए एंड मसल को टारगेट। स्लो एंड स्टडी। रेपिटेशन हम काउंट करेंगे, जब भी रेपिटेशन अपर एब्स के ऊपर आएगा वो होगा 1 एंड अगेन वापस 2। इस तरीके से आपको 12 रेपिटेशन परफॉर्म करने हैं जो कि होगा एक सेट और आपको नंबर ऑफ सेट्स यहां पे करने होंगे 2। ये था हमारा आज का वीडियो, आशा करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर लिखना कि फर्दर कौन से टॉपिक पे आप चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊं और आज के वीडियो में सबसे अच्छी एक्सरसाइज आपको कौन सी लगी। आगे चाहूंगा अपना ध्यान रखें, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। गुड बाय, नमस्ते। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क्स। रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली।